अस्सलाम वालेकुम। मेकिंग टीच के साथ मैं आपकी टीचर एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपके लाई कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग 14 अगस्त डे क्राफ्ट्स, जो कि मैं प्लास्टिक बॉटल, रिबन और ग्लिटर शीट को यूज करते हुए बनाऊंगी। वॉच द वीडियो कम्प्लीटली, सो लेट्स स्टार्ट टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए होगी ग्लिटर शीट, ग्रीन और वाइट। हमने इसमें से एक स्क्वायर काटना है। So let's start it. ऐसे करके अब हमने इसकी कटिंग करनी है। So it is ready. अब हमने इसी तरह व्हाइट ग्लिटर शीट लेनी है, जो कि इसी के साइज की होनी चाहिए, और हमने उसमें से थोड़ा सा रेक्टेंगल काट लेना है। तो आप पहले चेक कर लें कि वो इसी के साइज का है। यस, तो मेरा तो इसी के साइज का है। अब मैं उसमें से रेक्टेंगल बनाऊंगी और फिर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है ऐसे करके, एंड आवर फ्लैग इज रेडी। नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो है कि हमने मून और स्टार को ड्रॉ कर लेना है। दिस इज माय स्टार एंड दिस इज माय मून। अभी हम इसको थोड़ा साइड पे रखते हैं क्योंकि इसकी कटिंग हम लास्ट। अब हमें चाहिए थोड़ा सा हार्ड पेपर, वो किसी भी कलर का हो जाए। मोस्टली आपके घर में ये इस तरह के इनविटेशन कार्ड होते हैं, आप उनके कवर्स को यूज़ कर सकते हैं, और मैंने भी वही यूज़ किया है। आपने पहले इसमें से एक छोटा सा स्क्वायर की कटिंग कर लेनी है ऐसे करके, और फिर जो हमने फ्लैग को रेडी किया है उसको आपने यहाँ पे रख के को ऐसे करके पकड़ के उसकी यहाँ पे ट्रेसिंग करनी ऐसे करके। मैंने इसकी कर ली है, अब मैं इसकी कटिंग करूँगी और ये बिल्कुल इक्वल साइज का आएगा, और ये बिल्कुल इक्वल साइज में आप देख सकते हैं। अब जो हमने स्टार और मून ड्रॉ किया था हमने उसकी कटिंग करनी है। मैंने इस तरह का स्टार ड्रॉ किया ताकि मैं इसकी इजीली कटिंग कर सकूं, आप भी कर सकते हैं। इस स्टार की कटिंग करते हुए आपको थोड़ी केयरफुली कटिंग करनी होगी क्योंकि इसके कॉर्नर्स बहुत ही छोटे हैं। ऐसे करके ये मेरा छोटा सा क्यूट सा स्टार रेडी हो गया है। ऐसे ही आपने भी कर लेना है। अब मैंने मून की कटिंग करनी है, सो लेट्स डू इट। और ये मेरा छोटा सा क्यूट सा मून और स्टार रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बहुत ही यूजफुल टिप बताने लगी हूँ, सो आपने इसको केयरफुली देखना। फर्स्ट आपने एक जो हमने कटिंग की थी इस फ्लैग के इक्वल साइज की कार्डबोर्ड की पेपर की, इस तरह आपने लेना है उसको, और उसको आपने हाफ फोल्ड कर लेना है ऐसे करके। मैं रिपीट करूँगी, आपने उसको लेके उसको ऐसे हाफ फोल्ड कर लेना है इक्वल साइज में, फिर उसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। फिर जो इसकी ये साइड वाली लेयर होगी इसको आपने थोड़ा सा और, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और मोड़ना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ ऐसे करके, आप देख सकते हैं। फिर आपने इस पर कटिंग करनी है, और कटिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है जिस तरह मैं आपको शो कर रही हूँ। मैं रिपीट भी करूँगी, आपने छोटी सी ऐसे पहले लाइन लगानी है वन, जिस तरह मैंने लगाई है। अब मैं एक और छोटी सी लाइन लगाऊंगी यहाँ पे, एक स्क्वायर की शेप में ही करना है, मगर आपने इसको फुल कट नहीं करना है ऐसे करके। और फिर इसके बीच में जो हमारी लेयर कट हुई होगी हमने उसको साइड पे मोड़ना है ऐसे करके, आप देख सकते हैं। और फिर मैं हमने उसकी कटिंग करनी है, बहुत ही ईजी था ऐसे करके। एंड देन जब आप उसको ओपन करेंगे आपको यहाँ पे टू होल्स मिलेंगे बीच में इसके एक लेयर के साथ, जो कि मैंने आपको बहुत ही यूजफुल टिप बताई है। अब आपने लेनी है सेफ्टी पिन, क्योंकि नॉर्मली हर घर में होती है, मेरे पास भी थी तो मैंने इसी को यूज़ किया। सेफ्टी पिन की जो ये वाली साइड होती है हमने उसको एक सुराख से अंदर डालना है और दूसरे से निकालना है ऐसे करके। ऐसे करके आपने इसके अंदर सेफ्टी पिन डाल देनी है आउटसाइड वाली साइड पे। अब जो हमारी ये वाली साइड होगी यहाँ पे हमने जो पीसेस रेडी किए थे फ्लैग के, हमने यहाँ पे वो पेस्ट कर देने हैं।
आपने ये ग्रीन वाला पार्ट लगाना है और फिर उसको प्रेस कर देना है और पिन को भी ताकि वो यहाँ पे स्ट्रेट पेस्ट हो जाए, एक ही जगह पे स्टिक हो जाए। अब जो हमने मून और स्टार रेडी किए थे हमने उनको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसे करके और ये हमारा बैज हो गया है रेडी। मैंने इसी तरह के और भी बनाए हैं, मैंने 3 बनाए हैं बैजेस, एक हार्ट शेप में बनाया है और एक फ्लैग की शेप में, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे हैं आप देख सकते हैं। हार्ट शेप वाला भी बहुत ईजी है और ये बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट चीज़ बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे प्लास्टिक बॉटल का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेना है मार्कर और पैड बैंगल्स की साइज़ की आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है। इस तरह की 2 बैंगल्स आपने बॉटल में से निकाल लेनी है ऐसे करके। अब हमें इसका फ्लैग रेडी करना है जिसके लिए हमें चाहिए होगी ग्लिटर शीट ग्रीन और वाइट कलर की। सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन लगाएंगे इसके साइज़ की, बस हमें थोड़ा सा ही साइज चाहिए होगा। और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। मैंने 2 ग्रीन और वाइट कलर की कटिंग कर ली है। अब इसको आपने हाफ में ऐसे करके कटिंग करनी है और 4 पीसेस इसके बनाने हैं, तो चलिए अब वो करते हैं। ये हमने रखा इसको हाफ में, अब हम करेंगे इसकी कटिंग करके और हमारे पीसेस हो गए हैं रेडी। अब हमने इनको स्ट्रेट करना है साइड से ऐसे करके। अब जो हमारा थीम है वो है हाफ ग्रीन और हाफ वाइट कलर का, चलिए अब वो रेडी करते हैं और इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है पेस्ट करने के बाद। अब हमने लेना है वाइट वाला ये देखिए कितने प्यारे और कितने ज़बरदस्त हैंडमेड रीयूज बॉटल को मैंने करके ये इतने प्यारे बैंगल्स बनाए हैं आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये तो, और वो भी रीयूज बॉटल। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट आइटम। अब मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेसलेट जिससे मैं यूज़ करूँगी रिबन और ग्लिटर शीट का। आप घर में भी अगर आपके पास कोई भी इस तरह का कलर का कपड़ा आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन और वाइट मैंने ग्रीन कलर लिया, आप वाइट भी ले सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। फर्स्ट हमें मैं आपको एक फ्लावर बनाना बताऊंगी, वो भी रोज और वो भी बहुत ही ईजी। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है पतली सी ताकि आपका जो फ्लावर है वो रॉन्ग वे में ना बन जाए, इसलिए आपको मेजरमेंट साइज से लेनी होगी ऐसे करके। आपने 3 लाइंस लगानी है उस लाइन के बीच में। 1 मेरी बन गई है, मैं सेकंड बनाने लगी हूँ, सेकंड और ये थर्ड, मेरी 3 लाइंस रेडी हो गई हैं। अब मैं इन लाइंस की कटिंग करूँगी लेकिन एक प्रॉपर वे में, आपने साइड लाइंस नहीं कट कर देनी है। अब जो नेक्स्ट वो है वो ये है कि आपने यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक उस लाइन की कटिंग करनी है, यहाँ से आगे आपने इसकी कटिंग नहीं करनी है, पूरी लाइन को कट नहीं करना है। लेट्स डू इट करके। और जितने तक मैंने एक लाइन की कटिंग की है वहीं तक मैं बाकी की भी करूँगी ऐसे करके। अब जो नेक्स्ट वे है वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन एक्टिविटी है, सो लेट्स डू इट। वो आपने इसकी शीट को उतार लेना है और किसी भी टेबल या किसी भी चीज़ के साथ आपने इसके बस इस वाले पार्ट को पेस्ट कर देना है। और नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपने इस ग्लिटर शीट की चिट्टियाँ बनानी है, जो कि बहुत ही फन चीज़ है। अगर आपको नहीं बनाने आती तो आप अपने मदर से कह सकते हैं या किसी भी अपने सिबलिंग से कह सकते हैं जो कि आपको बना के दे दें, वरना बहुत ही ईजी है। मैं आपको तरीका बता रही हूँ। फर्स्ट आपने एक लेयर को रखना है ऐसे करके और फिर आपने दूसरी लेयर को लाना है इस लेयर के ऊपर। फिर इसी तरह आपने प्रोसेस को रखना है। अब ये वाली लाइन को मैं इस लाइन के ऊपर रखूँगी रिपीट, फिर इस वाली लाइन को मैं इस लाइन के ऊपर रखूँगी और साथ साथ मैं इसको अंदर की तरफ प्रेस करती जाऊँगी। ये थोड़ा सा स्टिकी होगा क्योंकि हमें इसकी सारी ग्लिटर शीट उतारनी है, और आपने ज़रूर उतारनी है क्योंकि अगर आप पहले नहीं उतारेंगे तो आपका एंड पे जाके फ्लावर की शेप सही नहीं है।
फिर आपने ऐसे इसको करना है इस तरफ, एंड पे आपने इसको इस ले के साथ जोड़ दें या इस ले के साथ जोड़ दें, वो आपकी चॉइस है। फर्स्ट आप इसको लेयर को आउटसाइड की तरफ मोड़ेंगे पहले, और फिर जो आपकी ये वाली एक्स्ट्रा लेयर होगी इसकी आपने कटिंग कर लेनी है, क्योंकि आपको नहीं चाहिए। है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। इसको बाहर की तरफ मोड़ दें अपनी चिटियों को, और फिर आपने इसको इस तरफ, मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे करके एक कॉर्नर को मोड़ना है और दूसरे कॉर्नर को भी ऐसे करके, मगर बीच में आपने उसकी थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है। फिर आपने उसको रोल करना है, रोल एंड रोल, और ये आपका रोज़ फ्लावर हो गया है रेडी, जो कि बहुत ही प्यारा है। मैंने इसी तरह के और भी फ्लावर्स रेडी किए हैं, वाइट और ग्रीन कलर के, आप देख सकते हैं। और फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि मैंने इन फ्लावर्स को इन रिबन के ऊपर लगाना है, फर्स्ट ग्रीन, देन वाइट, फिर ग्रीन, देन वाइट, फिर ग्रीन, ऐसे करके हॉट ग्लू गन की हेल्प से मैं इनको रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने हॉट ग्लू गन के साथ रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हैं, और नीचे आप इस रिबन से बो बना सकते हैं बड़े सारी, और इसको बो के तौर पर पहन सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा, ऊपर फ्लावर्स और नीचे बो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जो जिसमें मैंने आपको बैंगल्स, बैजेस और ब्रेसलेट बनाना बताया है। तो ये चीज़ें वैसे तो 14 अगस्त पर बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती हैं, लेकिन यूज़ तो आपने सिर्फ वन डे ही करनी होती हैं, तो क्यों ना अपनी क्रिएटिविटी यूज़ की जाए और इनको अपने आप से बनाया जाए। वैसे तो आप बाहर से भी ले सकते हैं, लेकिन अपने हाथ की बनी हुई चीज़ का तो मज़ा ही अलग है। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप प्लीज़ इनको घर में ट्राई कीजिएगा, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं और हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में इनको रेडी कर लिया है। सो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।